In this video I am going to explain about substituents, effect of substituents on the activity and orientation of monosubstituted benzene compound towards electrophilic substitution reaction, which is the topic of pharmaceutical organic chemistry second unit first benzene and its derivatives before third semester. Substituents in organic chemistry. एंड बायो केमिस्ट्री अ सब्सटीटूंट इज अटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑन द पेरेंट चेन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन बिकमिंग अ मोइटी ऑफ द रिजल्टेंट न्यूमोलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री में जो सब्सटीटेंट है वो एटम है और ग्रुप ऑफ एटम्स है जो किसी भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट के बाद उससे आकर जुड़ता है तथा एक न्यू एज अ रिजल्ट के रूप में एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करता है ए सब्सटीट्यूंट इज एन एटम और फंक्शनल ग्रुप डैट रिप्लेस अ हाइड्रोजन एटम ऑन अ हाइड्रोकार्बन आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है उसके साथ जो है एक्स है वो एक सब्सटीटेंट के रूप सब्सटीट्यूंट के रूप में जुड़ा हुआ है तथा तो जो बेंजीन है वो एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन है बेंजीन एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन है इफेक्ट ऑफ सब्सटीटेंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड आर्ट्स इलेक्ट्रोफ्लिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इससे पहले हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज मोनोसब्सटीट्यूटेड बेंजीन आप देख सकते हैं कि मोनो मोनोसब्सटीट्यूटेड जो बेंजीन है वो बेंजीन रिंग में कोई भी सब्सटीटेंट आकर जुड़ जाता है तथा एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटीटेंट इन बेंजीन रिंग एक हाइड्रोजन सब्सटीटेंट आकर जुड़ जाता है तथा एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और एक मोनो मोनोसब्सटीट्यूटेड बेंजीन प्राप्त हो जाता है सब्सटीट्यूशन ऑफ मोनोसब्सटीट्यूटेड बेंजीन, जो हमको मोनोसब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है मोनोसब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट उसका अगेन सब्सटीट्यूशन कराया जाता है तो उसको सब्सटीट्यूशन ऑफ मोनोसब्सटीट्यूटेड बेंजीन कहते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग मोनोसब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है उसका अगेन सब्सटीट्यूशन कराया जा रहा है जिससे उसके एक और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसमें से तथा दूसरा उसमें एक सब्सिट्यूएंट जुड़ रहा है इस आ, इस अब ये जो है जो सब्सिट्यूंट जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करता है कि जो आने वाला दूसरा सब्सटीट्यूंट है वो कहां पर एड होगा वो ऑर्थोपोजिशन पर हो, एड होगा या, प, पैर, पर या पैरा मेटा पोजिशन पर आप यहां भी देख लीजिए कि जो टू और सिक्स ये कार्बन पो, है ये पोजिशन है टू और सिक्स ये टू और सिक्स जो है ऑर्थो पोजिशन है थ्री थ्री और फाइव थ्री और फाइव जो है वो मेटा पोजिशन है तथा जो फोर है वो पैरा पोजिशन है आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये जो ग्रुप्स होते हैं जो एड होते हैं वो कैसे एड होते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से तो फिर जो आने वाला दूसरा ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ेगा वो ये ग्रुप डायरेक्ट करते हैं कि जो आने वाला नया ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ेगा जैसे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो टोलुइन है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तथा तो अगेन जो नाइट्रो ग्रुप है वो आ रहा है तो जो टोलुइन में जो सी एच थ्री है डायरेक्ट करेगा कि आने वाला जो टू ग्रुप है वो कहां पर एड होगा या पैरा पैरा होगा ग्रुप डायरेक्टिंग क्योंकि जो मेथाइल ग्रुप है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और यहाँ आप प्रोडक्ट के रूप में आप देख रहे हैं कि आर्थो नाइट्रोटालुइन तथा पैरा नाइट्रोटालुन हमको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है इन ग्रुप्स को आप ध्यान रखिएगा याद कर लीजिएगा अच्छे से ये आगे आपको काम आएंगे क्लास सेकंड में आप देख रहे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इसमें जो ग्रुप्स हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं अगर ये बेंजीन रिंग से मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में जो है सब्सटीटूं जो ये जुड़ा हुआ है तो ये निर्धारित करेगा कि आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है इनकमिंग सब्सटीटेंट है वो फिर कहाँ ऐड होगा क्योंकि ये मेटा डायरेक्ट ग्रुप्स हैं तथा अगर इनमें से कोई भी ग्रुप पहले जुड़ा होगा तो आने वाले सर्टिट्यूड को मेटा पोजिशन पर भेजेगा क्योंकि जो अब यहाँ रिएक्शन में भी आप देख रहे हैं कि एनओ जुड़ा हुआ है और एनओ जो है वो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग जी और आपको जो प्रोडक्ट है प्राप्त हो रहा है मेटा डाइनाइट्रोबेंजिन मीन्स जो एनओ है वो अगेन फिर से एनोटू ही आया है तो लेकिन जो एनोटू पहले से जुड़ा है उसने इसको मेटा पर डायरेक्ट किया है इफेक्ट ऑफ सब्सटी टूं ऑन रिएक्टिविटी सब्सटी टूंट ऑलरेडी प्रजेंट ऑन रिंग नॉट ओनली डायरेक्ट द पोजिशन ऑफ एन इनकमिंग ग्रुप बट आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन जो सब्सटीटेंट ऑलरेडी प्रजेंट होता है किसी भी बेजीनरिंग में वो केवल आने वाले इनकमिंग जो ग्रुप है उसको डायरेक्ट ही नहीं करता उसकी पोजीशन को ही डायरेक्ट नहीं करता बल्कि जो रिएक्शन करता है आने वाला इनकमिंग ग्रुप रिंग से उस पर भी वो इफेक्ट करता है उस पर भी इन्फ्लुएंस देता है रेट ऑफ रिएक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड डैट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टू आर्थ इलेक्ट्रोफ्लिक्स सब्सिट्यूशन वाइल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डीएक्टिवेट द बेंजिन न्यूक्स टूआस इलेक्ट्रोफुलिक सबस्टिट्यूशन जो ऑर्थोपैराटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है लाइक आप जैसे सी एस थ्री मैंने बताया था कि ये ऑर्थोपैराटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो जो है वो बेंजीन रिंग में रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है लेकिन जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जैसे एनेट्रो था नाइट्रो ग्रुप था वो जो है वो डिएक्टिवेट करता है मतलब ब्लेस करता है बेंजिन की जो रिएक्टिविटी है उसको कम कर, करता है इसके लिए एक एक्सेप्शन भी है कि जो हेलोजेंस हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो आप मैंने आगे दे रखा है लेकिन वो एक्टिवेट करने के बजाय डीएक्टिवेटिंग है जबकि वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं कि टालून -E जो है इस, इस मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इज ट्वेंटी टाइम्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन जो तो मिथाइल ग्रुप है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तथा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर इफेक्ट कर रहा है मेल ट्वेंटी टाइम्स रिएक्शन को रिएक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है जबकि क्लोरोबेंजीन जो है क्लोरीन जो है थर्टी टाइम्स लेस रिएक्टिव देन बेंजीन वो रिएक्टिविटी को घटा दे रहा है और क्लोरीन जो है वो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है फिर भी वो डिएक्टिवेटिंग का, का काम कर रहा है एज अ रिजल्ट हमको प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री रिजल्ट हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि बेंजीन रिंग में अगर सी एच थ्री जैसे प्रेजेंट है तो एक्टिवेट कर रहा है रिएक्टिविटी को वाइल प्रेजेंस ऑफ सी एल डीएक्टिवेट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन को डीएक्टिवेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन नोट अ अब्सटीट्यूंट व्हिच एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग जो सब्सटीट्यूंट है वो अगर एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो एक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूंट कहलाएगा एंड वाई सरसा मीन्स जो इसका अपोजिट अगर जो है वो डिएक्टिवेट कर रहा है को वो कहलाएगा डीएक्टिवेटिंग कार्डक्टिवेटिंग लाइक क्लोरीन तथा जो एक्टिवेट कर रहा है वो मिथाइल ग्रुप है सी एच थ्री इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूंस ऑन इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं उसमें जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग जो एक्टिवेट एक्टिवेट करते हैं रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं वो ग्रुप कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है एन है एन है एन है ओ है वो ग्रुप है ये सब हैं स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग मॉडरेटली एक्टिवेटिंग मीन्स ये स्लोली एक्टिवेट करता है स्ट्रॉन्गली मीन्स ये तुरंत एक्टिवेट कर देता है तथा जो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है ये धीरे धीरे एक्टिवेट करते, है, करते हैं वीकली एक्टिवेटिंग तो ये और स्लोली एक्टिवेट करते हैं तथा बीकली डीएक्टि डीएक्टिवेटिंग यहाँ पर मैं देख दे, आप देख रहे हैं फ्लोडिन क्लोडिन ब्रोमिन आयोडीन ये जो हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं ये इस केमिस्ट्री की एक एक्सेप्सन है आप जानते हैं केमिस्ट्री जहाँ केमिस्ट्री वहाँ एक्सेप्शन होता है तो यही यह यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है अब मेटा डायरेक्टर्स में जो हैं ये ग्रुप्स जो हैं ये मेडोरेटली डीएक्टिवेटिंग है मेटा में अगर ये प्रेजेंट हैं रिंग में तो ये अगर आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो भी है तो उसकी डिएक्टिविटी को ये घटाते हैं एक्स्ट्रॉन्गली डिएक्टिवेटिंग ये बहुत तेज़ी से घटा देते हैं तथा तो जो ये है मतलब कि ये ऐज आप जो मान लीजिए ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं बीच में रह जाते हैं इनका कोई भी आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है एंड ये वीकली डिएक्टिवेटिंग हैं सी सी एल थ्री एक्सेप्शन मैंने बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा हाइड्रोजेंस ग्रुपरेक्टिव जैसे बट डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग लेकिन बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं ये एक्सेप्शन है यहां पर द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट ऑन ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन का सब्सटीटन uh, पर क्या इफेक्ट है व्हाट इज ओरिएंटेशन पहले हम जाने की ओरिएंटेशन क्या है द सब्सटीटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्सटीटूंट्स लोकेशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट किसी भी सब्सि जो सब्सिट्यूंट है जो बेंजीन रिंग पर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो डायरेक्ट करता है इनकमिंग सब्सिट्यूंट की लोकेशन को पोजिशन को लोकेट करता है इस प्रोसेस को ही डायरेक्टिंग इफेक्ट या डायरेक्टिव इफेक्ट या ओरिएंटेशन इफेक्ट कहा जाता है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इफ़ द फिफ्टी ट्वेंट प्रजेंट ऑन रिंग इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक थ्री मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर वो प्रजेंट है बेंजीन रिंग पर और तथा मतलब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैच होता है वो तब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो डायरेक्टेड टू एंड ऑर्थो एंड और एंड पैरापोजिशन तब जो आने वाला दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है वो डायरेक्ट होगा आर्थो और पैरापोजिशन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम टालविन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसमें टालविन का एग्जाम्पल लिया गया है तथा जो इनका एक इलेक्ट्रोफाइल सब्सिट्यूंट जो मिठाइल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तथा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो वाई एज एग्जाम्पल हमने लिया है इसको वाई को तो यहाँ जो वाई है वो आर्थो पोजिशन पर जब एड होता है तो मोस्ट स्टेबल होता है तथा पैरा पोजिशन पर भी ये मोस्ट स्टेबल होता है ये इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पर एक तरफ से जो दूसरा सब्सिड्यूंट है वो जोड़ रहा है तथा हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा है रिप्लेस हो रहा है बाय द सब्सिड्यूएंट और हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है तथा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूंट आकर जुड़ रहा है एक मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन से तो वो आर्थो और पैरा पर डायरेक्ट हो रहा है तथा ये जो है ये मोस्ट स्टेबल हमको कंपाउंड मिलता है जब आर्थो पैरा पर डायरेक्ट करता है मीन्स जो मिथाइल ग्रुप है वो आने वाले इनकमिंग फाइल को आर्थो और पैरा पोजिशन पर डायरेक्ट कर रहा है एग्जाम्पल टू इफ द सब्ट्यूंट प्रजेंट ऑन बेजीनियरिंग इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप अगर इनकमिंग जो सब्सटीट्यूंट जो प्रेजेंट है उसके पास वो जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग है मतलब कि उसके पास जिस डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी है देन द इनकमिंग सब्सटीट्यूंट सब्सटीटेंट डायरेक्टेड टू मेटा पोजिशन तब जो है इनकमिंग सब्सटीटेंट को मेटा पोजिशन पर डायरेक्ट करेगा वो जैसे आप एनोटू देख रहे हैं क्योंकि ये एनोटू इलेक्ट्रॉन विड्रामिंग ग्रुप है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है इंजीनियरिंग में तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है जैसे आप दे एनोटू ही फिर लिया गया है उसकी जब रिएक्शन हो रही है आके कॉन्सनट्रेटर स्टूस एच, ऑफ फोर की उपस्थिति में तब वो एनोटू जो है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो जो आने वाले एनोटू को वो मेटा पोजिशन पर डायरेक्ट कर रहा है क्योंकि जो एनोटू ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और एज ऑ प्रोडक्ट हमको मेटा डाइनाइट्रोबेजीन प्राप्त हो रहा है एंड आर इलेक्ट्रॉन मैंने जैसे बताया था कि जो मेटा है वो रिच इलेक्ट्रॉन डिसिटी रखता है तथा तो जो ऑर्थो एंड पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं उसमें पूर्णता होती है इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं रहते तो ऑर्थो एंड आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एंड हैज रिच इलेक्ट्रॉन डिसिटी सो इलेक्ट्रॉन विड्रामिक ग्रुप मीन्स ई डब्ल्यू मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रामिक ग्रुप आर मेटा डायरेक्टर्स इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रामिक ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टर होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आएगा सी दिस वीडियो केयरफुली लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई जिस डी सो थैंक यू